एसएससीडी का आंसर की दिखाने लगा है, आंसर की पता कर चुके हैं। कुछ भाई लोग ऐसे हैं ना, फ्यूजन में पढ़ रहे हैं, इतना तो मुझे भी पता था। पहला टाइप का लड़का हूँ क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही फौज की तैयारी किया है। जय हिंद एवरीवन। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोगों को ये बात तो अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि एसएससीडी का आंसर की दिखाने लगा है, और इसको लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। देखो मैं सभी लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपना आंसर की पता कर चुके हैं, वो लोग मतलब पता लगा चुके हैं कि मतलब उन लोगों का कितना प्रश्न सही है और कितना प्रश्न गलत है, उन लोगों को कितना नंबर मिल सकता है। लेकिन कुछ भाई लोग ऐसे हैं ना, मतलब सुबह से यूट्यूब पर सर्च मार रहे हैं कि एसएससीडी का आंसर की कैसे चेक करें। तो यूट्यूब पर तो हजारों वीडियो अपलोड हो चुका है और हर वीडियो का थंबनेल बस यही है ना कि एसएससीडी का आंसर की इस तरह से चेक होगा, यहाँ से रोल नंबर निकालना है और यहाँ से आप लोगों को पासवर्ड जाना है। मेरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में ये पता चल रहा है कि मोबाइल से एसएससीडी का आंसर की चेक नहीं हो पाएगा, तभी भी कुछ लोग परेशान हो गए हैं। तो भाई आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यार ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एसएससीडी आंसर की के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों के अंदर तसल्ली भी मिल जाएगी और परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी भाई हमारा वीडियो देख लेते हैं ना, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और लास्ट में एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं कि इतना तो मुझे भी पता था, तुम तो सिर्फ बकबक बकबक करते रहते हो। तो वो लोग थोड़ा दूर रहे मेरे भाई, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूं। मैं थोड़ा बॉयलर टाइप का लड़का हूं क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही फौज की तैयारी किया है, तो मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूं जो लोग थोड़ा मतलब हम लोग जैसे रहते हैं, हमारे टाइप के रहते हैं, मैं लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं आसान भाषा में सारी चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यही देखकर कंफ्यूजन में पड़ जा रहा है कि डायरेक्ट ये देखने को कैसे मिल जा रहा है कि यहां पर रोल नंबर भरना है और यहां पर पासवर्ड भरना है, उसी वजह से एसएससीडी का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर यही वाला लिंक सभी लोग दे रहे हैं और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन से देखने को मिल जा रहा है। अब ऊपर लिखा गया है रोल नंबर, तो ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, और नीचे लिखा गया है पासवर्ड, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे जो आपके एडमिट कार्ड में जन्मतिथि रहेगा वही जन्मतिथि यहाँ पर पासवर्ड भरना है। मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड में ले जाकर दिखा दे रहा हूँ रोल कौन सा है और पासवर्ड कौन सा है। एक दोस्त का एसएससीडी का एडमिट कार्ड है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड ले लेना। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया होगा, बिला गया होगा, तो आप लोग अपने ईमेल आईडी पर चेक करना, वहाँ पर आपके मैसेज में आपका रोल नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है रोल नंबर और इसके आगे कुछ अंक दिया गया है, तो यही वो रोल नंबर है, ठीक है ना। और जो आपका पासवर्ड के बारे में बताया जा रहा था, तो नीचे इसी एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मतिथि लिखा गया होगा, तो ये वाला आपका पासवर्ड है। ये दोनों आप लोगों को इसी दोनों से आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। दोस्त का रोल नंबर है उसको यहाँ पर भर दे रहा हूँ, और जो उसका जन्मतिथि है उसको पासवर्ड के रूप में भर दे रहा हूँ। उसके बाद से आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अपने दोस्त का रोल नंबर भर दिया हूँ और यहाँ पर अपने दोस्त का डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मतिथि भर दिया हूँ, और जन्मतिथि पता है किस तरह से भरना है। मान लो आपका जन्मतिथि है 1/2/2000, तो आपको इस तरह से बीच में ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको मतलब सब कुछ उसी तरह से लिख देना है, 1 लिखना है, फिर उसके बाद से 2 लिखना है, उसके बाद से 2000 लिख देना है, तो इस तरह से आपका पासवर्ड बनेगा। इतना सब कुछ करने के बाद नीचे ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, लिंक से एसएससीडी का आंसर की चेक करने के लिए इतना ज्यादा यूज किया गया है कि भाई अब यहाँ पर भी मतलब सर्वर स्लो चलने लगा है, यहाँ पर भी कुछ टाइम दे दिया। तो को ये पता चल गया है कि हमारा रोल नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है, और ये भी आप लोगों को पता चल गया है कि एसएससीडी का आंसर की दिखा रहा है लेकिन मोबाइल से आप लोग नहीं चेक कर पाओगे, वो लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक हो पाएगा। अभी आप लोग को ज्यादा अगर तेजी होगा ना, तो आप लोग अपना रोल नंबर और पासवर्ड लेकर जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ पर चले जाना और बोल देना कि हमारा एसएससीडी का आंसर की देखना है, वो आसानी से दिखा देंगे। आज नहीं लेकिन कल आप लोग मोबाइल से भी आंसर की चेक कर लोगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो चुके थे यार, इसलिए मुझे खेत में आकर वीडियो बनाना पड़ा है। उधर हमारा भाई वही नहीं था, जैसे भाई रहता है तो कैमरा पकड़ता है। भाई लोग बार बार कमेंट भी कर रहे थे, भाई एसएससीडी पर वीडियो बनाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से चेक करना है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को आसानी से समझ में आ गई होंगी। अभी मैं भी चलता हूँ घर, क्योंकि अभी देखो मेरा कल एलसीसी का पेपर है, काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है यार। पेपर नजदीक आ गया तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ, और यही सभी लोगों का आदत रहता है, पढ़ाई तो कुछ होगा नहीं, बस दिल के तसल्ली के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग इंतजार करना, क्योंकि वो वाला ब्लॉग काफी तगड़ा वाला आने वाला।